बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल डेली फैमिली ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी, अगर किसी भी इलाके में किसी भी नमाज का वक्त है तो पहले आप नमाज अदा कर लें, उसके बाद आपकी वीडियो लाजमी देख लीजिएगा और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी, सुबह का टाइम है, अभी नाश्ता वगैरह करने लगे हैं, नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो कल का दिन काफ़ी परेशानी में गुजरा है। असल में अली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो हुआ क्या उसको ना, पहले तो रात को, परसों की जो रात है उसमें बुखार रहा है काफ़ी ज़्यादा, रात को तो रात भी उसके साथ हम जागते रहे हैं। तो कल उसको फिर बुखार के साथ साथ मोशन और वॉमिटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। परसों से उसका मे भी थोड़ा सा पेट का मसला हुआ था, तो वो उसको डायरिया हो गया है अली को। तो उसको मेडिसिन वगैरह लेके दिए, कल डॉक्टर के पास भी लेके गए हैं उसको, उसने मेडिसिन दी है। तो काफ़ी वीक हो गया, कोई चीज़ खा नहीं रहा, दूध वगैरह भी नहीं पी रहा। तो कल सारा दिन उसके साथ ही लगे रहे हैं, आज का भी सुबह से उठ के उसके साथ लगी हुई हूँ। तो अली चिड़चिड़ा हो गया वह बीमार होके ना, तो बिल्कुल ऐसे मम्मा गोदी हर वक्त मेरे साथ लगा रहता है कि मुझे उठा लो, कोई काम भी नहीं करने देता। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं उसने बनाने दिया। अभी मैंने रिजवान को उसको दिया, मैंने कहा उसको लेके ना जरा अम्मी के घर लेके जाए, ताकि बच्चा थोड़ा उसका जहन दूसरी तरफ जाए तो मैं नाश्ता बना लूँ। तो मैंने कहा जरा ब्लॉग का भी आगाज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपसे शेयर करते हैं जैसे जैसे रूटीन बनाते हैं, डेली की रूटीन आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि हमारे चैनल का नाम आपको पता, डेली फैमिली ब्लॉग है, तो जो डेली के ब्लॉग्स हैं, डेली की रूटीन है, इंशाल्लाह वही शेयर हुआ करेगी। और कोशिश भी करते हैं किसी हद तक के शेयर करें आपसे, लेकिन कुछ मसरूफियात, कुछ हालात लॉकडाउन के, उनकी वजह से बस ऐसे दिल भी नहीं करता और बाज़ का टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहें। और एक और बात, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं नानों किधर है, तो नानों मेरी सिस्टर के पास गई हुई हैं, और काफ़ी यानी कि उनको 1.5-2 महीना हो गया, बीच बीच में वो आती हैं तो मिल जाती हैं, लेकिन व्लॉग वगैरह इसलिए नहीं बनाए जाते कि फिर वो थोड़ी देर के लिए आती हैं तो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह के पास आएंगी या इधर आके हमारे घर मिल जाएंगी। तो अब इंशाल्लाह जिस दिन वो आती हैं मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँगी और उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगी। असल में वजह यह है सिस्टर के पास जाने की कि मेरी सिस्टर की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और इस वजह से वो नानो जो है ना उसके पास रह रही है, क्योंकि वो भी अकेली रहती है, उसकी भी छोटी बच्चियाँ, तो वो हैंडल करना मुश्किल हुआ हुआ है, वो बेड रेस्ट पे आजकल, तो इसलिए नानो उसके पास है। तो इंशाल्लाह नानो जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि अब वो काफ़ी पहले से बेहतर हो रही है मेरी बहन। तो बस दुआ कीजिएगा उसकी सेहत के लिए भी, अली की सेहत के लिए भी। तो इंशाल्लाह आप सब नेक्स्ट रूटीन शेयर करते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे व्यूअर्स, यूट्यूबर्स, बहन भाइयों, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, और हम सब भी अल्लाह के फजल आप सब बहन भाइयों की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी, आज संडे है, तो आज वैसे तो आज पूरा दिन समझे कि अली को बुखार था, इसलिए बड़े परेशान थे, इसी की देखें अभी बता रहा है जूता। अली क्या कह रहे हो? अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतर है तबीयत इसकी, ये 2-3 सीरप लेके आए थे, एक ये है और ब्रोफीन, कालपोल, और एक ये पता नहीं क्या नाम है इसका। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर है तबीयत, बच्चे टीवी देख रहे हैं, अयान भी वो देखें जी, और हाँ साथ साथ ये भी बताते चल रहे हैं, अयान ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज इसको पढ़ाते हैं, लेकिन ये अम्मे के घर गया हुआ था। और जिन बहन भाइयों ने पहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लें, ज़ियान देखें, ज़ियान भी रेस्ट कर रहे हैं, सच को देखते हैं वो क्या कर रही हैं। बस आज सारे समझे कि सुस्ती के मारे हुए हैं। पानी पानी दो बेबी, पानी दो ज़ियान को। जी ये क्या कर रही है, ये भी दिखाते हैं आपको। जी जी, अब खाना पीना चल रहा है, ख़त्म नहीं रहा खाना पीना। अंडे बॉयल किए हैं और साथ दाल है थोड़ी सी, वो खा रही हूँ। असल में आज कपड़े धोए हैं, अली ने वॉमिट कर करके ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा भरे हुए थे, ये बेडशीट भी चेंज की है, अभी चेंज करके बैठी हूँ। अली ने बेड पे भी वॉमिट कर दी थी, तो वो फिर कपड़े वगैरह वॉश करके ना, तो मुझे ज़रा होता है कि मैं दो अंडे खा लूँ। हाँ जी, जब भी कपड़े धोए जाए तो दो अंडे, ये समझें कि जैसे मशीन में से कपड़े डालना या धोने के लिए पानी ज़रूरी है, इसलिए कपड़े धोने के साथ दो अंडे ज़रूरी हैं। पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है, ये मुझे नहीं पता, ये साइज से ही पता चला, या यूँ समझे शादी के बाद ही पता चला कि जी दो बंदे, जो बंदा कपड़े धोता है उसको दो अंडे खाने चाहिए, ये लॉजिक मुझे नहीं पता। लॉजिक कोई नहीं है, कपड़े धो के तार के मुंडे थक जाते हैं, तो दो अंडे आना ठीक हो जाता है, जिसम दर्द करता है, फिर
ਫਿਰ ਦੋ ਅੰਡੇ ਖਾਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟ ਗੁਲਟ ਪੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੇ ਜਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਰਾਤ ਕੋ ਵੀ ਜਾਗ ਸੁਬਹ ਵੀ ਜਾਗ ਤੋ ਬਸ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹੀ ਅੰਡੇ ਖਾ ਲਏ ਸਭ ਦਾਲ ਹੈ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾ ਪੇਟ ਪੜ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕਹੀ ਇਨਕਾ ਪੇਟ ਪੜ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਵਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਖਾ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਾਵਲ ਨਾ ਖਾਏ ਤੋ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਤੋ ਚਲੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਖਾ ਲੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਲ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਲ ਔਰ ਸਾਥ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਅਲੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਖੁਦ ਖਾ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਅਲੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਮੇ ਜਾਨ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਲਾਦ ਕੋ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾ ਤੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਨੋ ਨੇ ਇਸਕੋ ਐਸੇ ਕਰ ਦਿਆ ਵੈ ਕਿ ਸਾਥ ਸਾਥ ਚਿਪਕੇਗਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਾ ਗੋਦੀ ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਮੈਂ ਇਸਨੇ ਬੈਠਣਾ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਇਸਕੋ ਗੋਦੀ ਮੇਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲਸਲ ਇਸਕੋ ਗੋਦੀ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕਹੀ ਸੋਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ मैंने कहा इसके कपड़े वगैरह वॉश कर लूँ कपड़े भी वो वॉमिट कर करके जाहिर है बच्चे ने इसको होता है हर बार जब वॉमिट किया बेशक कपड़ों पे गिरी या नहीं गिरी मामा कप्पे कप्पे तो पजामा पहना हो या जो मर्जी चीज पर निकर पहनी उसको भी बोलेगा मामा पैंट 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 पहनते कपड़े में फिर पा के नवे कपड़े तो आके वहां आंदा बकायदा मामा कप्पे इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे खेलते कूदते अच्छे लगते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों की प्रॉब्लम मुश्किल समझ में आती है क्योंकि बड़े बच्चे तो बता सकते हैं कि जी हमें यहाँ पेन हो रही है पेट में या बाजू में जहाँ पे भी और इस जितने छोटे बच्चे बता भी नहीं सकते कि मुझे ये मसला है बस रोने पर जोर दिया होता है तो लेकिन खेलते कूदते बच्चे अच्छे लगते हैं इसमें कोई शक नहीं है ਅਦੇ ਕੋਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਖਾ ਛੜੀ ਹੈ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਕਹਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਸ਼ਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਐਰਾ ਮੈਂ ਸਾਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ शुक्र है अल्लाह का अली की तबीयत बेहतर हो गई है तो मुझे ऐसा लग रहा मेरी खराब हो गई है क्यों तने क्यों है मनु मैं थक गई हूँ कपड़े धो के तो नाल जारी बात है रात भी जागी हूँ बेडशीटें भी दोनों जो कमरे हैं दोनों बेड्स पे अली साहब ने वॉमिट की है अब वो बच्चा है उसके कंट्रोल में नहीं रहती बात फिर वो वॉमिट कर देता है तो पैम्पर्स भी खत्म हो गए थे आज बार बार वो मोशन भी कर रहा था फिर आज पैम्पर्स भी मंगवाए हैं और आज पैम्पर्स भी अजीब तरीके के ले आए हैं पहले जो सी कंपनी के इस्तेमाल करते थे वो मिले नहीं है लॉकडाउन में तो और कोई ले आए पता नहीं वो क्या सिस्टम चलता है क्या नहीं चलता कह रहे थे कि ना ठीक है वापस कर लेना मैं कुछ की अगर ठीक ना आपको समझ आई इसके नहीं सही तो वापस हो जाएंगे मैं कह अच्छा थोड़ी आवाज नु क्यों है बह गया गला बह गया तो जी इसके साथ साथ बातें तो आज बस बातें ही हुई हैं कोई हमें तो इतना प्यारा व्लॉग नहीं लगा लेकिन चलें रूटीन शेयर कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ही अपनी क्या कहते हैं इस व्लॉगिंग से आप व्लॉग मुक गया अंडा नहीं मुक अच्छा जी व्लॉग मुक गया अंडा नहीं मुक गया इसके साथ ही हम अपने व्लॉग का करते हैं इस्तेमाल अपना बहुत सारा किया ख्याल अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने के पास अल्लाह हाफिज़ साथ साथ हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा जो हमारी वीडियो ना पसंद आए उससे पीछे देख लिया करें अगर वो भी ना पसंद आए तो उससे पीछे देख लिया करें कोई ना कोई पसंद आ जाएगी ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ सही कहा है ना